आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कमरे दो, विद्यार्थी 90, शिक्षक 6, भवन बेहद जर्जर, फिर भी तैयार कर रहे हैं देश का भविष्य। यह हम आपको कोई पहेली या कहानी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे दिखा रहे हैं। दरअसल रीवा जिले में शिक्षा का स्तर पूरी तरह से गिर चुका है। विद्यालयों में राजनीति और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकारी शिक्षक विद्यालय जाने की वजह अन्य कार्यों में अपनी ड्यूटी लगवाकर आराम कर रहे हैं, जिसके चलते बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। वहीं विद्यालय भवनों की दशा बेहद ही दयनीय है। कहीं जानवरों का अड्डा है तो कहीं ऐसे जर्जर भवन है जहां जान जोखिम में डालकर छात्र छात्राएं और शिक्षक अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। ताजा मामला रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1 के शिवपुरवा स्कूल का है, जहां विद्यालय भवन की हालत जर्जर हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आया और खर्च नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन विद्यालय भवन की मरम्मत केवल कागजों पर कर लीपापोती कर दी गई है। अगर निजी भवन पुस्तों तक चलते हैं तो फिर शासकीय भवन, जिनमें खासा मोटी रकम लगी होती है, महज चंद वर्षों में ही जर्जर क्यों हो जाते हैं, सोचने वाली बात है। यह तो स्पष्ट है कि किस तरह से शासकीय राशि का दुरुपयोग ठेकेदार, सरपंच, सचिव के साथ साथ संस्थाएं कर रही हैं। आइए दिखाते हैं माध्यमिक विद्यालय का हाल, जिसे देखकर आप खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के मंदिर की किस तरह की दुर्दशा है और खासकर नगर निगम सीमा के अंदर संचालित विद्यालयों का हाल क्या है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे विद्यालय भवनों के सुधार के लिए प्रशासन कुछ प्रयास करता है या किसी बड़े हादसे का इंतजार करता है। वहीं विद्यालय के शिक्षक नवनीत कुमार चौबे ने बताया कि उन्हें विद्यालय भवन के अंदर जाने में खुद डर लगता है, तो भला बच्चों का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय भवन के लिए अधिकारियों को लिखित जानकारी दे दी गई है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की पहल नहीं की गई। बताइए, क्या नाम है आपका, कौन से? मैं नवनीत कुमार चौबे हूँ, यहाँ पे मैं पदस्थ हूँ और ये है स्कूल पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिवपुरवा वार्ड, जो वार्ड नंबर 1 नगर निगम में आता है। यहाँ पे स्थिति बिल्डिंग की अत्यंत ही जर्जर है और हम लोगों ने इसका प्रतिवेदन भी DPC महोदय को दे दिया था अपने सरकारी तरफ से। और यहाँ पे 90 बच्चे इनरोलमेंट है इस समय और मात्र 1.5 आपको दिख रहा 2 कमरे हैं और इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। और हम लोग 6 टीचर पदस्थ हैं यहाँ पे और 6 टीचर में पढ़ाई की बिल्कुल हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि एक बिल्डिंग बिल्कुल कमरा उसमें 2 में से एक बिल्कुल अत्यंत ख़राब है, दरवाज़ा नहीं खोल सकते, बरसात में बहुत ज़्यादा ही स्थिति दयनीय हो जाती है, क्योंकि हम लोग को डर बना रहता है कि कब बिल्डिंग गिर जाएगी। और ये स्कूल चल रही है 2006 में उन्नयन हुआ है मिडिल में, इसके पहले लगभग 20 साल पहले से ही प्राइमरी था, तो बिल्डिंग बना था लगभग 2006 में, नई बिल्डिंग है 2006 में ही बनी थी। यहाँ की जनप्रतिनिधि वगैरह कोई नहीं आया अभी तक? तो अभी आपका उपेन भैया आए थे, लोग भी प्रयास कर रहे हैं इस बार और उन लोगों से कहे भी थे कि आप लोग स्कूल की काफ़ी जर्जर स्थिति देखी जा रही है, ऊपर भी गिर रहा है, छत टूट रही है, तो किस तरह यहाँ पर पढ़ाई करते हैं बच्चे? मतलब वही तो ये इतना गिर रहा है कि हम लोग खुद डर के मारे डरते हैं कि बच्चे कैसे बैठा है। तो हम लोग 4-5 जो शिक्षक हैं अलग अलग ध्यान रखते हैं कि जब कभी बरसात हो तो उस जगह से हटा के बच्चों को दूसरी स्थिति पर बैठाते हैं और कोशिश करते हैं जितना हो सके उस तरफ बच्चों को पढ़ाते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई है? जी, DPC स्तर तक हम लोगों ने कार्रवाई कर दिया है अपनी तरफ से, BRC महोदय भी आए थे, उन्होंने भी लिखित कार्रवाई की थी, DPC महोदय भी देख चुके हैं इसको, तो अपनी तरफ से कार्रवाई की जा चुकी है शासकीय। क्या